पंजाब में जहां धान की कटाई का काम जोरों पर चल रहा है, तो वहीं मंडियों में धान की आमद भी पूरे जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुछ व्यापारी बाहरी राज्यों से धान और बासमती खरीद कर अलग अलग सेलरों में ला रहे हैं, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष व्याप्त है। वहीं मोगा में किसान यूनियन खोसा ने यूपी से आए धान के साथ ट्रकों को रोक दिया है। इस बात की जानकारी प्रशासन को दी गई है। इस मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह खोसा ने कहा कि जब तक हमारे किसान धान का एक भी दाना नहीं बेचेंगे, तब तक हम बाहरी राज्यों से धान नहीं लाने देंगे। उन्होंने कहा कि विक्रेता पहले ही बाहरी राज्यों से धान लाकर अपने गोदाम भर लेते हैं, लेकिन जब किसानों का धान खरीदने का समय आता है तो प्रति बोरा 5 रुपये मांगकर किसानों को लूट लेते हैं। सुबह वेख्या जी इतने गड्डिया आ रही सी, तो इतने तो घट्टो घट्ट 1.5 महीने तो आ रही महीने तो आ रही सी। अज असी इन्हों पुछया भी तुम कितों इन्ना लियाने यार, यूपी तो बिहार ड्राइवर पूछा यार, कोई यूपी तो ज़्यादा, कोई ग्वालियर कोई बिहार चो, तो सारिया गड्डिया असं फड़ लिया जी। हूँ केर कुछ लै चुकी हैं, कुछ लैन गई हूँ, असं धरना ला रहे हैं जी। हूँ लगते नहीं ये साढ़े तो गट्टे भाल दे, साढ़े हम पछेते झोने इतने सरकार ने, क्योंकि लेट करते अगे भी दस दे जो सरकार ने लेट के, तो आ ठंड पैन लग गई, मोचर वाधा है, मोचर तो किसान की करे गा, कणक लेट होंगी बीजन च, कणक जो लेट लिया था भी जिनी देर तक ये बहर ले जरा झूना तो बासमती बंद नहीं होंगे तो उन्नी तक किसानों की लुट रुकनी नहीं, क्योंकि जी सा जीरी वाले साडा झूना और सीजन चलने वाला, तो जोड़ा ये बहरों लिया लिया के शैलर भर के ये जो माल आ पूरा कर लेंगे, मुड़ के साडिया मंडिया पंजाब के किसानों का बहुत व्डा झूना वही पद्धर से रुलता, असी वो एक भी जोड़ा झूना ज बासमती बहरों आ नहीं देनी जिनी देर तक साडा दाना दाना बैग नहीं जाता।